प्यारे भारतवासियों, आपको सचत नमन। आज दिनांक 2 मार्च 2024 को मैं आपसे एक शब्दावली साझा करना चाहता हूँ। जैसा कि रानी वाक के क्षेत्र के अंदर विदित है, निवासी यहाँ के सब जानते हैं कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर यहाँ पे लैंड माफिया, बैटिंग माफिया, सट्टा माफिया, जुआ माफिया, ये लोग और इनके साथ बहुत बड़ा काला धन जिसका निवेश ये लगातार 2022 के लगभग से देखने में आ रहा है कि करते आ रहे हैं। और अब यहाँ से लोग कनाडा, अमेरिका, गोवा, दुबई, इस तरफ इनके रूट बढ़ते जा रहे हैं। झज्जर, सोनीपत, खरकोदा के पास, जयपुर हाईवे, जयपुर, वृंदावन, ऐसे बहुत सारी जगह इनका पैसा ये इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। और दिल्ली की जनता को, भारत की जनता को, रानी बाग की जनता को लूट रहे हैं। जो व्यक्ति इनकी बातों को नहीं मानता, उसके मकान को ये सील करवा देते हैं, मकान को छीन लेते हैं। इनके इस काम के अंदर कुछ IAS IPS भी इनके सहयोगी हो गए हैं, और उनका भी काला धन इन्होंने अपने गुरुओं के मार्फत बेनामी संपत्तियां के अंदर करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और जिसको केंद्र सरकार, ED डिपार्टमेंट, CBI, NIA जिनको ढूंढते जा रही है, जिसका एक बहुत बड़ा स्रोत ये रानी बाग क्षेत्र है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा लैंड माफिया और इस तरह से मैं कहता हूँ कि एक्टिवेट है। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस, इसके दसियों साल से यहाँ कॉन्टैक्ट हैं। जो कि डिजिटल करेंसी होती है, इनविजिबल करेंसी होती है, जो कोई कहीं भी इसका हवाला के थ्रू कारोबार चलता है, जो कि कहीं भी वर्ल्ड के किसी हिस्से में ये पैसा स्थानांतरित हो जाता है। और इसकी 1 करोड़ के ऊपर लगभग मैं समझता हूँ कि 300 रुपये कीमत होती है ये ट्रांसफर करने की। शायद 1 लाख के ऊपर होती है, पूरा एग्जैक्ट मुझे नहीं, 1 लाख पे 300 रुपये की इसकी, 1 लाख के ऊपर 300 रुपये लेते हैं ये लोग। और अवैध रूप से ये काम चल रहा है, भारत सरकार की सभी एजेंसियों को धोखा देकर एक बहुत बड़ा माफिया है। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर, जहाँ आपको पता ही कि मई के अंदर केंद्र सरकार के चुनाव होने वाले हैं, मैं चाहूँगा कि जरूर इस चुनाव के बाद से, तो सभी को विदित है कि केंद्र के अंदर भाजपा शासित मोदी जी के मोदित्व के नेतृत्व में राष्ट्रवाद के आचरण को लेकर और उसके राष्ट्रवाद के ऊपर अग्रसित एक सरकार आने वाली है मोदी जी की, जो कि संपूर्ण 370 से 400 सीटों के बीच के अंदर आने का लक्ष्य है। और उम्मीद भी ऐसी की जा रही है कि ये बहुमत बीजेपी भारत की जनता के आशीर्वाद से हासिल कर लेगी। तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपनी एजेंसियों का मुख एक बार जरूर रानीबाग की तरफ मोड़ें, क्योंकि कांग्रेस के लोग, जो कि एक ऐसी पार्टी है जो कि मैं ये समझता हूँ कि उनके नेताओं के द्वारा, जो उनके परिवारवाद और जो पैसों की भूख की वजह से उनके निर उनकी उनका कंट्रोल खत्म हो गया है ग्राउंड लेवल पर, वो लोग 100 100 करोड़, 200 200 करोड़ रुपये के मालिक बन के बैठे हैं, और कई तो 500 से 1000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइजनिंग अंधा कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, जनता के अधिकारों को बेच रहे हैं, उनके सपनों को और उम्मीदों को बेच रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन करी और उसके बाद वहाँ से भी उनको लात पड़ गई। तो अब ऐसे लोगों को मैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि अब जैसे जीत निश्चित देख के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्थानीय पार्षद और स्थानीय विधायक और जो हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, इनको यहाँ से टिकट घोषित हुई है, उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाजपा के अंदर, भाजपा के दामन पे छींटे ना लगने दें और ऐसे लोगों को खुद दूरी बनाकर रखें। और मई 2024 के बाद केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, एस विदेश मंत्री अजय शंकर जी, अजीत डोभाल जी, दिल्ली पुलिस मंत्री संजय अरोड़ा जी, इन सब से मेरी गुजारिश है, दिल्ली भारत के चीफ जस्टिस श्री चंद्रचूड़ साहब से भी, कि वो संबंधित न्यायाधीशों को भी आदेश दें कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त जितने भी केस लंबित हैं उनका शीघ्र निपटारा करें और इनको सजा दे के जेल भेजें। इसी के साथ मैं ये चाहता हूँ कि आज वे इस शब्दावली को राम देने से पहले, कि सदियों से ये संघर्ष चलता आ रहा है कमजोर और ताकतवर के विजय, और यहाँ IAS IPS लैंड माफिया और कांग्रेस के नेताओं के अंदर जो गठजोड़ है उसकी वजह की कीमत मई आपने दिसंबर 2022 में देखी, जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए किस तरीके से इन्होंने, कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या कर्म कांड करे वो सबके सामने जग जाहिर है। और जब भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार यहाँ से जीत गई तो उसके कुछ महीनों के बाद ये लोग केंद्र सरकार के मोदित के अंदर, राष्ट्रवाद की जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है,
उसको देख के इन लोगों ने जो है धीरे 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 दिखावे के तौर पे, जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और दिखाने के तौर पे ये साबित करने जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास करने लगे हैं, लेकिन अंदरूनी से इनका मन काला, इनका तन काला, इनके कर्म काले, इनके काले पैसे के अंदर ये डूबे हुए हैं और यही सब काम करते आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, विधायक और जो भावी जो MP के पद से प्रवीण खंडेलवाल जी जो नामित हुए हैं, मैं चाहूँगा कि वो जरूर प्रयास करेंगे और रामनिवास की इस गंदगी को यहाँ से साफ करेंगे। ऐसी उम्मीद और विश्वास के साथ में सदन, जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति, जिंदाबाद।